जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। मुजाहिर नकवी और इनके वकील को इत्तलाई नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास कल 11:30 बजे दोबारा होगा। काउंसिल का कहना है मुजाहिर नकवी चाहें तो काउंसिल में कल पेश होकर मौकफ दे सकते हैं। जस्टिस इजाजुल अहसन का बतौर मेंबर जुडिशियल काउंसिल इजलास में बैठने से मासरत। जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर मेंबर काउंसिल इजलास में शरीक। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा हम यहाँ खिदमत के लिए नहीं आईनी जिम्मेदारी निभाने बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट समेत सब इदारे अवाम को जवाब दे हैं, ये चीज सब सीख लें तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर ने कहा मामले को हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से तासुर ये मिलता है जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी या यहाँ कोई ड्रैकोनियन सिस्टम चल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट के जज मुजाहिर नकवी का इस्तीफा मंजूर। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने पिशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मौकिफ अपनाया, पिशावर हाईकोर्ट का फैसला आईन और कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इलेक्शन कमीशन की अपील एतराजात आयद करके वापस कर दी। इलेक्शन कमीशन ने एतराजात दूर कर दिए, कल समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरी जानिब पिशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद पीटीआई को अब तक इंतखाबी निशान न मिला। निशान बहाल न करने पर तहरीक इंसाफ ने अदालत से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच करेगा। हमारे टिकटों से रिलेटेड मशावरत कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह ताला आज शाम 9 बजे से पहले या 11 बजे से पहले इसी दौरान इंशाल्लाह ताला किसी भी वक्त में टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाल्लाह ताला। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलाट किया जाए और हमारा सिंबल से जो सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको अपने वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइपर केस के ट्रायल को क्वाश किया है कि वो प्रोसीडिंग गैर आईनी और गैर कानूनी थी। तहरीक इंसाफ का आज रात तक इंतखाबी उम्मीदवार सामने लाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हमारा इंतखाबी निशान बहाल है, उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म का एहतराम करे और सर्टिफिकेट जारी करे। हाईकोर्ट ने साइफर केस की गुज़िश्ता प्रोसीडिंग्स कलअदम करार दे दी, उम्मीद है बाकी केसेस के ट्रायल भी कलअदम करार पाएंगे। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाए, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। हम पाकिस्तान की अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। बिलावल भुट्टो का वादा है कि आपके तनख्वाह आपके आमदी को हम इंशाल्लाह ताला करेंगे। पंजाब के सियासतदान बीमार पड़ने पर लंदन चले जाते हैं, मेरी हुकूमत बनवाए इन सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तांदियावाला में जलसे से खिताब, कहा पंजाब में तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करके दिखाएंगे, पूरे पाकिस्तान को दिखाएंगे, आज भी पंजाब का भुट्टो जिंदा है। जलसे में बिलावल भुट्टो के फिर आवाम वादे वईद, कहा बिलावल भुट्टो का वादा है आपकी तनख्वाह और आमदनी दुगनी कर देंगे। ख्वाजा से फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। जराए के मुताबिक नून लीग रहनुमा ने कमीशन को बयान रिकॉर्ड करा दिया। ख्वाजा से बतौर साबिक वफाकी वजीर दिफा कमीशन में पेश हुए। शहबाज शरीफ तहाल कमीशन के सामने पेश ना हो सके, साबिक वजीर आजम वकील के जरिए बयान जमा करवाएंगे। नहीं डरते अमन से, मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुदकुश हमले में भी शायद मारा जाना है, वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा। किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। अलल ऐलान कहते हैं इनको, हम 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये? हम हिकमत से, हम हिमाकत से नहीं, हिकमत से और हिम्मत से इंशाल्लाह ये लड़ाई लड़ेंगे। जो
जो पाकिस्तान का कानून नहीं मानता वो यहाँ से चला जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा दहशतगर्द बेगैरत और बुजदिल हैं, हिम्मत है तो बिलों से निकलें, सामने आकर लड़ें, इनके हमलों का जवाब देंगे, ये 10 हमले करेंगे हम 1000 बार जवाब देंगे, लड़ाई के बाद वो हमदर्दी के लायक नहीं, खुद कुछ हमला आवर हमें डराना चाहते हैं, हम हिकमत और हिम्मत से लड़ाई लड़ेंगे। सदर नून लीग ने इंतखाबी टिकट का इजरा शुरू कर दिया, शहबाज शरीफ के दस्तखत से जारी टिकट आरोप को जमा होगी। उधर जाती उम्र में नून लीग का अहम इजलास, टिकट की तकसीम और सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत, टिकट से महरूम रहने वाले उम्मीदवारों को मनाने की कोशिश, कई रहनुमाओं को एडजस्ट करने के लिए मुतबादल ऑप्शन दिए जाएंगे। NH96 से टिकट का इजरा, नून लीग मुश्किल में पड़ गई, तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर को जाती उम्र बुला लिया गया, दोनों लीगी रहनुमा जड़ावाला के एक ही हलके से टिकट के ख्वाहां, लीगी कयादत मुशावरत के बाद किसी एक को टिकट जारी करेगी। लाहौर में शेर का निशान किसको मिलेगा, मुस्लिम नून आज उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। जराए के मुताबिक अयाज सादिक और शेख रुहेल असगर में एक का इंतखाब होगा। NA119 से मरियम नवाज किस्मत आजमाएंगी, अलीम खान NA117 और PP149 से उम्मीदवार होंगे। जाति उमरा में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। ट्रिब्यूनल फैसलों के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी का लाहौर हाई कोर्ट से रजू, 3 हलकों से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कल जवाब तलब कर लिया। उधर सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, लाहौर हाई कोर्ट ने वकील इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराना है, 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीरे तलाक मुर्तजा सोलंगी ने बात से कर दिया इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में, कहा मईशत और इक्तसादियात की तरक्की वक्त की जरूरत है। साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलदम करार, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 5 सफात का फैसला जारी किया। हाईकोर्ट ने खुसूसी अदालत का 14 दिसंबर का हुक्म कलदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि 14 दिसंबर के बाद की साइफर की तमाम कार्रवाई गैर कानूनी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तिना भी खत्म कर दिया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत, अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की सदा खारिज कर दी। बानी PTI को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया, पुलिस ने 30 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। उधर तोशाखाना रेफरेंस में 4 गवाहों के बयान कलमबंद, सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना और एडिशनल डायरेक्टर NAP के बयान कलमबंद किए गए, ज्वाइंट डायरेक्टर SBP और असिस्टेंट डायरेक्टर वजारत खारजा के बयान कलमबंद, 2 खवातीन गवाहों के बयान वकील सफाई के एतराज पर कलमबंद ना हो सके। PTI उम्मीदवार आफ्ताब आलम पेशावर हाईकोर्ट के गेट से गिरफ्तार, पेशावर हाईकोर्ट ने SHO शर्की को तलब कर लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने सिक्योरिटी अफसर से पूछा किसने गिरफ्तार किया, सिक्योरिटी अफसर बोला मैं चीफ जस्टिस की अदालत में था। SHO शर्की से पूछा, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, पुलिस को कुछ पता नहीं होता, SHO शर्की से कहें बंदा पेश करें। सवाबी अड्डा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर फायरिंग, PTI के मकामी रहनुमा शाह खालिद जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि लोग इस पर ट्वीट करें या बोलें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अरशद शरीफ केस में रिमार्क्स, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, ये काम तो भेड़ बकरियों वाला है, अवाम को ऐसे ट्रीट किया जाता है। 25 करोड़ अवाम ने इंटरव्यू के अल्फाज सुने तो 25 करोड़ मुकदमा दर्ज होंगे। अदालत अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमा की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कर रही थी।
ATP से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं, तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक मौकिफ, कहा अफगान हुकूमत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में मुमताज जहरा बलोच बोली, मौलाना फजल रहमान का दौरा अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से नहीं है, जे यू आई सरबरा अपनी मर्जी से गए, पाकिस्तान की तर्जुमानी नहीं कर रहे, पाकिस्तान गजा में मजलूम फलस्तीनियों की भरपूर हिमायत करता है। इस्लामाबाद में बलूचिस्तान के शहदा के लवाहिकीन का धरना जारी, मीर जमाल रईसानी की शिरकत, तीन मुतालिबात सामने रख दिए, कहा हमारे प्यारों को जिन्होंने शहीद किया उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन बनाया जाए, आज भी हमारे प्यारों पर हमले हुए, हमारे शहदा के लवाहिकीन के बच्चों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन्हें महफूज बनाया जाए, शहदा के बच्चों के लिए तालीमी इकदाम किए जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के शदीद झटके, इस्लामाबाद लाहौर पेशावर के शहरियों में खौफ हरास फैल गया, रेक्टर स्केल के मुताबिक शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई, मरकज को हिंदुकश अफगानिस्तान था, गहराई 213 किलोमीटर थी, केपी के बेशतर अजला में जलजला महसूस किया गया, शहरी घरों से बाहर निकल आए, रेस्क्यू इदारे मुतहरिक हो गए, किसी भी जानी नुकसान से बचने के लिए टीमें पहुंची। फौज का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी से जीना भरा, 24 घंटों में 150 से ज्यादा वैश्याना हमले, एक रोज में मजीद 200 फलस्तीनी शहीद हो गए, इसराइली फौज ने एम्बुलेंस को निशाना बनाया, फलस्तीनी हिलाल अहमर के 4 कारकुन शहीद हो गए, इसराइली तैयारों ने एम्बुलेंस को जान बूझ कर निशाना बनाया, अलक्सा अस्पताल के एतराफ में शदीद बमबारी, 40 से ज्यादा फलस्तीनी निशाना बने, शहदा की तादाद 23,350 से बढ़ गई, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म अवामी शिकायत के लिए खोल दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मुलाकात, हाफिज नईम रहमान ने मारूफ आलिम दीन से मुल्क की सूरत हाल और इंतखाबात पर गुफ्तगू की, गुलशन इकबाल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में हाफिज नईम रहमान बोले, 90 की दहाई में कराची को साजिश के तहत बर्बाद किया गया, पूरे मुल्क से ज्यादा टैक्स कराची के आवाम देते हैं। मुल्क के बेशतर हिस्से जाड़े की लपेट में, कराची से खैबर तक सर्दी ही सर्दी, बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया, बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी, कलात में दर्जा हरारत -4 तक गिर गया, कराची में साल की सर्द तरीन रात रही, कम से कम दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, कल शहर कायद में पारा मजीद गिरने का इम्कान। नए कप्तान का नया इम्तिहान, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा, कौमी टीम ने 2 रोज तक जी भर के मशकें की, साइम अयूब, आमिर जमाल, जमान खान, उसामा मीर मरकज निगाह होंगे, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुकाबला सुबह 11:10 पर शुरू होगा, सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई, दोनों टीम के कप्तानों ने ट्रॉफी दिखाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर फोकस है, T20 कप्तान शाहीन आफरीदी कीवीज को हराने के लिए पुरअज़्म, कहा कोशिश है खामियों पर काबू पाकर उम्दा परफॉर्मेंस दूं, टेस्ट सीरीज में तवक्कात के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे सके, मजीद बोले इंजरी से बचने के लिए सिडनी टेस्ट नहीं खेला, बाबर ने हमेशा रन किए, 1-2 इनिंग से फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा अहम बैटर है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा, इजलास में पाकिस्तानी मईशत के पहले इक्तसादी जायजे की मंजूरी दी जाएगी, स्टाफ लेवल माहदे की मंजूरी की सूरत में पाकिस्तान को $70 करोड़ की नई किस्त मिलेगी। स्टॉक
स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 528 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 64,417 पर बंद। उधर अमरीकी करेंसी को लगा रिवर्स गियर, मुस्तकिल होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता, कदर 280 रुपए 11 पैसे पर बंद। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत निगरान काबीना का इजलास, नौजवानों को रोजगार के लिए कैनेडा भिजवाने का फैसला। अस्पतालों की तामीर और मुरम्मत के सबसे बड़े पैकेज की मंजूरी, 15,000 नए बेड्स फराहम किए जाएंगे। पहली बार जदीद तरीन मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर कायम होंगे। पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को गंदम फराहम करने का फैसला भी कर लिया। अमरीका की मशरकी रियासतों में बारिश और बर्फानी तूफान, हादसात में 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। 12 रियासतों में 4 लाख से ज्यादा मकानात बिजली से महरूम, डैम को नुकसान पहुंचने से शहरी घर छोड़ने पर मजबूर, 13,500 परवाजें मंसूख हो चुकी। जोकोविच ने बैट, स्टीव स्मिथ ने रैकेट थाम लिया। दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को खेल खेल कर हैरान कर दिया, वीडियो वायरल हो गई। इन शाहजी को कूच किए 46 बरस बीत गए। गजल को शायर और अफसाना निगार इब्ने इंशा की आज 46वीं बरसी, मजा निगारी और सफरनामा निगारी इब्ने इंशा की पहचान बना। उनकी गजल इंशाजी उठो को बहुत पजीराई मिली।